नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख देशमुख बायो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है GPCR, दैट मींस जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। आज के टॉपिक में हम इसके दो चीज मेनली इसमें दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक होगा कि पुरानी CSIR नेट के क्वेश्चंस और साथ ही साथ उनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ये दोनों चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ओके, पहला क्वेश्चन जून 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ। पहला ऑप्शन दिया गया है सिंगल पास, दूसरा ऑप्शन दिया गया है थ्री पास, तीसरा ऑप्शन फाइव पास और फोर्थ ऑप्शन है सेवन पास मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये देखिए क्या है कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में काम करने वाले जो प्रोटीन होते हैं वो मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं। मेम्ब्रेन को स्पैन करना कि मतलब क्या कि अगर ये लिपिड का बायलेयर का मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर का जो प्रोटीन दिखाई देता है आपको और ये मेम्ब्रेन को, ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड में अप टू द साइटोप्लाज्म में ये क्या कर रहा है, उसको स्पैन कर रहा है। तो ऐसे प्रोटीन को हम मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। ऐसे प्रोटीन को हम मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन एज वेल एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। क्वेश्चन में पर्टिकुलरली पूछा गया है कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का जो प्रोटीन है, कौन सा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का जो प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन को कितने टाइम स्पैन करता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, क्योंकि ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का जो प्रोटीन है मेम्ब्रेन को, ठीक है, मेम्ब्रेन को सेवन टाइम स्पैन करता है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में मतलब इस डायग्राम में हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है कि सेवन टाइम्स मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन, बट ये मेम्ब्रेन को सेवन टाइम स्पैन करता है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, ये देखिए पहला जो प्रोटीन है तो सिंगल टाइम मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, जो दूसरा प्रोटीन यहाँ पे थ्री टाइम मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, और ये जो चौथा प्रोटीन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बीटा बैरल का स्ट्रक्चर है और ये मल्टीपल टाइम मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है। ठीक है, उसके आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेवन टाइम मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन भी हमें दिखाई देता है, पर यहाँ पे कितने टाइम स्पैन हो रहा है ये ठीक है ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, बट यहाँ पे दिया गया है कि इसका नाम क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। साथ ही साथ वहां पे कुछ और प्रोटीन भी दिए गए हैं हमें, ठीक है, जो ठीक है आयन चैनल का काम कर रहे हैं, वहां पे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वहां पे काम करते हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा कि सेवन टाइम मेम्ब्रेन स्पैन करने वाला जो प्रोटीन है वही किसका प्रोटीन होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का प्रोटीन होता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिसेप्टर एंजाइम लिंक इज फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स होना चाहिए। यहाँ पे पढ़ते पहला ऑप्शन, अ रिसेप्टर एंजाइम हैज एन एक्स्ट्रासेल्युलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, अ ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन एंड इंट्रासेल्युलर कैटालिटिक डोमेन। ये सही ऑप्शन हो सकता है। ये ऑप्शन मतलब क्या है कि क्वेश्चन का आंसर तो नहीं बनेगा पर ऑप्शन तो सही हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिएगा कि कोई एक ठीक है सेल का मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में अगर कोई एक रिसेप्टर है तो रिसेप्टर को हमें पता है कि तीन डोमेन होते हैं वहां पे, जो बाहर के साइड वाला जो डोमेन होगा वहां पे वो डोमेन तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, वो डोमेन होगा एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। उसके बाद जो ये मेम्ब्रेन में स्पैन कर रहा है प्रोटीन, मेम्ब्रेन में स्पैन कर रहा है प्रोटीन, ओके, तो ये होगा मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन होना चाहिए। तो ठीक है, और जो तीसरा डोमेन हमें दिखाई देता है यहाँ पे जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये आ जाएगा तो इसे हम साइटोप्लाज्मिक डोमेन कहते हैं। तो ऑप्शन एक तो क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा क्योंकि हमें फॉल्स पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये तो सही ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, रिसेप्टर एंजाइम हैज एन एक्स्ट्रासेल्युलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, जो एक्स्ट्रासेल्युलर डोमेन होता है उसे लिगेंड बाइंड करवाता है, और जो दूसरा डोमेन होगा वहां पे वो होगा ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन में, मेम्ब्रेन के अंदर होना चाहिए, और तीसरा जो डोमेन होता है यहाँ पे जो तीसरा डोमेन होता है तो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर दो, मेनी टाइप ऑफ रिसेप्टर एंजाइम आर फाउंड इन मैमलियन सेल्स। ये बात भी सही है बट क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे टाइप के कौन होते हैं वहां पे मेम्ब्रेन रिसेप्टर मॉलिक्यूल हमें दिखाई देते हैं। तीसरा ऑप्शन, द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ऑफ रिसेप्टर एंजाइम इन लॉन
इन फॉस्फोराइलेशन कैस्केड। ये बात भी सही है पर क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बार अगर कोई लिगैंड मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के ऊपर अगर आकर बाइंड होता है तो रिसेप्टर का एक्टिवेशन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म में जो बाकी प्रोटीन होता है, ठीक है, पाथवे में काम करने वाले, उनका एक्टिवेशन कर दिया जाता है। मेनली वहां पे एक्टिवेशन होता है प्रोटीन काइनेज एंजाइम का, जो डिफरेंट टाइप के होते हैं वहां पे। उनका एक्टिवेशन होने के बाद वो अपने टारगेट के ऊपर क्या करते हैं कि फॉस्फोराइलेशन करके उनको आइदर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो रहा है। बचा हुआ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4। ये तो क्वेश्चन का आंसर होना ही चाहिए। देखते हैं हम ऑप्शन में क्या दिया गया। रिसेप्टर एंजाइम इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द इंट्रासेलुलर जी प्रोटीन्स, इंट्रासेलुलर जी प्रोटीन के साथ ये डायरेक्टली इंटरैक्ट होते हैं, ऐसा बोल रहा है। नहीं, देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई एक हमारे पास मेम्ब्रेन है, ठीक है, उस मेम्ब्रेन में काम करने वाला एक, ठीक है, रिसेप्टर मेडिएटेड कोई एक एंजाइम है, ये मेम्ब्रेन है सेल का, और यहाँ पे अगर कोई एक एंजाइम प्रोटीन है, मान लीजिएगा कि जैसे कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में हमें दिखाई देता है, ठीक है, ओके, हाँ, लिगेंड बाइंड होने के पहले ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं वो मोनोमेरिक फॉर्म होते हैं, फॉर्म में होते हैं, और जब भी वहां पे लिगेंड बाइंड होता है तो मोनोमराइज फॉर्म से वो डायमेरिक फॉर्म में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहां पे रिसेप्टर में एंजाइमेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, वो अपने ही, ठीक है, कि कुछ जो भी प्रोटीन होते हैं ना वहां पे अमीनो एसिड, तो उनके ऊपर फॉस्फोराइलेशन करना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 के रिसेप्टर एंजाइम, मतलब कोई एक रिसेप्टर है और जिसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, क्या ये डायरेक्टली रिलेट करता है जी प्रोटीन के साथ? ऐसा नहीं होता है। जी प्रोटीन का एक अपना अलग सा रिसेप्टर होता है जो मेम्ब्रेन को 7 टाइम स्पैन कर लेता है। मेम्ब्रेन को कितने टाइम वो स्पैन कर लेता है? 7 टाइम मेम्ब्रेन स्पैनिंग एक प्रोटीन होता है वहां पे। पर इसका और इस रिसेप्टर एंजाइम का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ये फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट नेवर एक्टिवेट्स द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फॉर सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम रिलीज। नीचे जो नीचे दिए गए जो भी ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है कि जो कैल्शियम का रिलीज करवाता होगा जब भी वो रिसेप्टर का एक्टिवेशन हो रहा होगा और कैल्शियम वहां पे रिलीज होता नहीं है, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसा पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कि क्या होता है कि जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो, ठीक है, तो बहुत सारे टाइम में क्या होता है कि वहां पे IP3 का इंडक्शन होता है और IP3 कैल्शियम का रिलीज करवाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेल के साइटोप्लाज्म में। या और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जो कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं साइटोप्लाज्म से टू एक्सोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कि इंटरेक्शन ऑफ बाइंड इनटू द स्पर्म रिसेप्टर, क्या यहाँ पे कैल्शियम का कोई रोल हो सकता है या जी प्रोटीन का कोई रोल हो सकता है क्या, ये हमें देखना है यहाँ पे। इस बात को, इस ऑप्शन को थोड़ा डिटेल में देखने के लिए हमें एक स्लाइड देखनी है। ओके, देखिए इस स्लाइड में आपको दिखाई देगा कि एक ये एक्रोसोमल प्रोसेस है स्पर्म का, उसके ऊपर कुछ आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन दिखाई देंगे, उस प्रोटीन का नाम है बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ स्पर्म कैन बाइंड विथ रिसेप्टर, ठीक है, स्पर्म रिसेप्टर ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ एग सेल। जो हमारा ओम होता है उस ओम का जो मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर जो भी स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर होते हैं उस रिसेप्टर को स्पर्म का एक प्रोटीन जो एक्रोसोमल प्रोसेस के ऊपर वहां पे प्रेजेंट होता है वो जाके उसको बाइंड करता है। और ये जो रिसेप्टर प्रोटीन होता है ना जिसके ऊपर कौन बाइंड कर रहा है, बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ स्पर्म जो बाइंड कर रहा है वहां पे, एक होता है ये, ठीक है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी करने वाला प्रोटीन। जब भी कोई लिगैंड मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर को बाइंड हो जाएगा तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ठीक है, वहां पे जीडीपी का कन्वर्जन, मतलब क्या कि जीडीपी को वहां पे रिमूव करके अल्फा के साथ जीटीपी को बाइंड कर दिया जाता है। अल्फा विद जीटीपी
ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करवाती है। फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होने के बाद ठीक है कि वहां पे पीआईपी टू का एक्टिवेशन होगा। किसका एक्टिवेशन हो रहा है वहां पे? पीआईपी टू का एक्टिवेशन होगा, फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल डाइफॉस्फेट का एक्टिवेशन। उसके बाद एक्टिवेशन एक्चुअली होता नहीं यहाँ पे, फॉस्फोलाइपेज सी जब एक्टिवेट होगा तो पीआईपी टू का ये क्लीवेज कराएगा दो चीजों में, एक बनेगा उसे डायसाइल ग्लिसरॉल और दूसरा बनेगा वहां पे इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। जब भी इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट बनेगा, इनोसिटोल फॉस्फेट ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर जो कैल्शियम के जो भी चैनल हो गए उस कैल्शियम के चैनल को जाके ये बाइंड करेगा। उसके बाद ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर द कैल्शियम, और वहां से कैल्शियम कहाँ पे आना शुरू हो जाएगा? सेल के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात क्या आ रही है कि सामने कि जब भी बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ स्पर्म सेल बाइंड विद द रिसेप्टर ऑन द ओम सेल, देन वहां पे क्या हो रहा है कि कैल्शियम का एक्टिवेशन, मतलब कैल्शियम कुछ चीजों को वहां पे एक्टिवेट कर रहा है। ये तो ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो पहला ऑप्शन क्वेश्चन का जवाब नहीं बन सकता क्योंकि हमें नेवर पूछा गया है क्वेश्चन में, पर पहले ऑप्शन में तो हमें कैल्शियम का रोल दिखाई दे रहा है। दूसरा ऑप्शन एक्टिवेशन ऑफ फ्रिजल बाय WNT, इसके बारे में हमने इसके पहले वीडियो में भी आपको समझाया था कि WNT का जो भी रिसेप्टर है वो रिसेप्टर होता है फ्रिजल, और वहां पे कैल्शियम मेडिएटेड एक्टिविटी भी हमें दिखाई देती है। तो इस ऑप्शन को समझने के लिए आपको हमारा पिछला वाला वीडियो देखना होगा, ठीक है, पर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर तीन, कॉर्टिकल रिएक्शन ब्लॉकिंग पॉलीस्पर्म है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक स्पर्म जब ओम के साथ फ्यूज हो जाता है तब वहां पे एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है कि उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कि पॉलीस्पर्मी ब्लॉकेज मैकेनिज्म। एक स्पर्म फ्यूज होने के बाद दूसरा स्पर्म ठीक है फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हो जाता है तो वहां पे एम्ब्रियो का डेथ होना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो उस मैकेनिज्म को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कॉर्टिकल ग्रेन्युल रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए कॉर्टिकल ग्रेन्युल रिएक्शन में क्या होता है कि पहले इवेंट है कि जो स्पर्म सेल है जो विटिलिन मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है वहां पे आके बाइंड करना शुरू करते हैं। उसके पहले वो जो बाहर एक सेल के बाहर जो जेली कोट प्रेजेंट होता है ना उसको डिग्रेड करना बहुत ही जरूरी होता है। उसके लिए एक्रोसोमल रिएक्शन, मतलब एक्रोसोमल कैप में जो भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। वे एंजाइम इस जेली लाइक मेम्ब्रेन को क्या करेंगे? डिग्रेड करेंगे और वहां पे एक रास्ता बनेगा। उस रास्ते से स्पर्म सीधा कि किसके साथ बाइंड करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओम सेल, जो विटिलाइन मेम्ब्रेन हम जिसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा कि कुछ साइटोस्केलेटल प्रोटीन यहाँ पे ठीक है एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे जिसे हम क्या बोलेंगे? एक्रोसोमल प्रोसेस बोलते हैं। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस द रिसेप्टर एंड लिगेंड इंटरेक्शन बिटवीन द प्लाज्मा ठीक है प्रोटीन ऑफ स्पर्म सेल एंड रिसेप्टर ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओम सेल, और उसके बाद जाके तीसरा स्टेप जो आएगा यहाँ पे उस स्टेप में एक्चुअली दिखाई देगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म सेल का ये किसके साथ फ्यूज हो रहा है? किसके साथ फ्यूज हो रहा है? ये फीमेल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज हो रहा है। सो आफ्टर फ्यूजन नेक्स्ट डायग्राम में हमें ये दिखाई दे रहा है कि हेड ऑफ स्पर्म वहां से अपने कुछ पार्ट को क्लू करके वो कहाँ पे आ रहा है? ये सेल के अंदर आ रहा है। तो हमें पता है कि प्रॉक्सिमल ठीक है सेंट्रियोल के साथ जो न्यूक्लियस होता है वो गैमेट के फीमेल गैमेट सेल के अंदर आ जाएगा, बाकी का जो पार्ट होता है वहां पे स्पर्म का वो इसे शट ऑफ कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक बार एक स्पर्म का न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रोल सेल के अंदर आ जाते हैं तो वर्म के अंदर एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है जिसे हम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि ये जो पेरिफेरल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे पेरिफेरल ग्रेन्यूल्स है, इसके अंदर कुछ परोक्सीडाइज एंजाइम या हाइड्रोलाइज एंजाइम होते हैं वहां पे उस ठीक है ग्रेन्यूल को क्या कर दिया जाता है? एक्जोसाइटोसिस कर दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये एक्जोसाइटोसिस होते तो इस रीजन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ एंजाइम आके यहाँ पे मतलब
रह जाएंगे, और ये एंजाइम का यहाँ पे होना जो रिसेप्टर को डिग्रेड करवाएगा, ये रिसेप्टर जो होते हैं ना यहाँ पे जो स्पर्म और ओम के बीच में जो बाइंडिंग होती है, जो इंटरेक्शन होते हैं, उन बाइंडिंग के लिए रिक्वायर्ड होने वाले जो रिसेप्टर होते हैं उनका डिग्रेडेशन कर दिया जाता है। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन में ग्रेन्यूल का एक्सोसाइटोसिस होता है, वहां पे कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं और वे एंजाइम जो है जो अगला जो स्पर्म सेल आएगा ना उसका ठीक है एंट्री इनिबिट कराते हैं, जिसे हम पॉलीस्पर्मी इनिबिशन भी कहते हैं। ठीक है, पॉलीस्पर्मी ब्लॉकेज एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक होता है कि फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी और जो दूसरा होता है स्लो ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी। पहला जो ब्लॉक होता है पॉलीस्पर्मी का, तो पहले 60 सेकंड में ही एक्टिवेट कर दिया जाता है, उसमें मैक्सिममली रोल आता है सोडियम इनफ्लक्स का। देखिए कि फीमेल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ आयन चैनल के प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन अगर एक्टिवेट होते हैं तो सोडियम वहां पे क्या होगा कि सेल के अंदर आ जाएगा, फीमेल ओम सेल के अंदर, और जैसे ही सोडियम अंदर आएगा तो फीमेल सेल का जो मेम्ब्रेन चार्ज होता है वो मेम्ब्रेन चार्ज चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो ठीक है हाइपरपोलराइज स्टेट से वो डीपोलराइज स्टेट में आएगा, और डीपोलराइज स्टेट में ठीक है कि वो हम खुद किसी अदर स्पर्म को अंदर आने के लिए एंट्री नहीं देगा, वो एंट्री ब्लॉक कर देगा, एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज फास्ट ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी। आपको याद रखना है कि फास्ट ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी में मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है, पहले जो ओम का जो सेल मतलब ओम जो है पहले हाइपरपोलराइज फॉर्म में होता है और बाद में जाके वो डीपोलराइज फॉर्म में आएगा, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव आयन एंट्री करेंगे कहाँ पे सेल के अंदर, तो सेल का मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाता है, और ये डीपोलराइजेशन ऑफ सेल विल इनिबिट द एंट्री ऑफ स्पर्म। दूसरा मैकेनिज्म हम पढ़ लिए यहाँ पे, जैसे ही एक स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है फीमेल गैमेट के साथ तो वहां पे कुछ रिसेप्टर का एक्टिवेशन हो जाता है। इसके पहले के डायग्राम में हमने देखा था बाइंडिंग प्रोटीन जब टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर को बाइंड होता है तो रिसेप्टर का स्टिमुलेशन होगा, रिसेप्टर आगे जाके किसको एक्टिवेट कराएगा, ये फॉस्फोलिपेज सी। फॉस्फोलिपेज सी हमें पता है कि PIP2 का कन्वर्जन एक IP3 में कराएगा और दूसरा कन्वर्जन डायसाइल ग्लिसरॉल में कराएगा। IP3 ठीक है जाके किसे एक्टिवेट कराएगा, कैल्शियम आयन चैनल को एक्टिवेट कराएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर, और जब कैल्शियम का साइटोप्लाज्मिक कॉन्सेंट्रेशन वहां पे बढ़ता है तो वहां पे हमने देखा था कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का एक्सोसाइटोसिस होना शुरू हो जाता है, और ये मैकेनिज्म स्लो ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी का फॉर्मेशन करेंगे। और दूसरी बात यह है कि वहां पे हाइलाइन लेयर का फॉर्मेशन भी होना शुरू होता है। इसका मतलब क्या है कि थिकनेस यहाँ पे क्या होगा बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर सेल के बाहर ओम के बाहर फर्टिलाइज ओम के बाहर अगर कुछ सब्सटेंस जमा हो के वहां पे अगर उसका थिकनेस बढ़ता है तो स्पर्म का दूसरे स्पर्म का यहाँ से इसको ठीक है डिग्रेड करके अंदर एंट्री करना नामुमकिन हो जाता है। तो यही होता है मैकेनिज्म पॉलीस्पर्मी ब्लॉकेज का। फर्स्ट मैकेनिज्म हमने पढ़ा यहाँ पे फास्ट ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी, और दूसरा मैकेनिज्म यहाँ पे स्लो ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी। अब देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ डायसाइल ग्लिसरॉल। डायसाइल ग्लिसरॉल प्रोटीन काइनेज सी का एक्टिवेशन कराएगा। आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज सी देयर इज एन एक्टिवेशन ऑफ सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंज आयन चैनल का पंप का एक्टिवेशन होता है। जैसे ये पंप एक्टिवेट होगा तो सेल के अंदर जो भी प्रोटॉन है वो प्रोटॉन बाहर चले जाएंगे, और ठीक है बदले में वहां पे अंदर कौन आएगा, सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही प्रोटॉन सेल के बाहर चला जाएगा, प्रोटॉन सेल के बाहर चले जाने से क्या होगा कि इंट्रासेलुलर जो पीएच होता है वो इंक्रीज होगा, और जब इंट्रासेलुलर पीएच इंक्रीज होता है तो कुछ प्रोसेसेस वहां पे एक्टिवेट होना शुरू हो जाए, जैसे कि प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड स्पर्म, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट भी वहां पे शुरू हो जाती है, और मॉर्फोजेनेटिक मटेरियल भी एक्यूमुलेट होना वहां पे शुरू हो जाता है, मतलब कि आरएनए का फॉर्मेशन वगैरह होना, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वगैरह होना वहां पे शुरू हो जाता है। सो दिस ऑल आर द मैकेनिज्म विच ब्लॉक द पॉलीस्पर्मी। क्वेश्चन नंबर 4, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कंसिस्ट 3 प्रोटीन्स सब यूनिट अल्फा बीटा एंड गामा।
इन अनस्टिमुलेटेड स्टेट अल्फा सब यूनिट इज जीडीपी बाउंड एंड जीपीसीआर इज इनएक्टिव. व्हेन जीपीसीआर गेट्स एक्टिवेटेड इट एक्ट्स लाइक द गोनी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एंड इंड्यूसेस अल्फा सब यूनिट टू रिलीज इट्स बाउंड जीडीपी अलाउइंग जीटीपी टू बाइंड इन इट्स प्लेस. In order to regulate G protein activity by regulating GDP, GTP concentration, alpha subunit act as. Question में हमें पूछा गया कि यहाँ पे what is the role of alpha subunit? देखिए अब question को हम देखते हैं. यहाँ पे मान लीजिएगा कोई एक cell का plasma membrane है और इस plasma membrane में हमें दिखाई देता कि एक कौन है, एक G protein couple receptor का protein है जो 7 time membrane को span करता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सेवन टाइम मेम्ब्रेन को स्पैन करता है. अगर इस रिसेप्टर के ऊपर कोई प्रोटीन मतलब कोई लिगेंड आके बाइंड करता है तो इस रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा. ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म की साइड के ओर से इस ठीक है जीपीसीआर के प्रोटीन के साइटोप्लाज्मिक डोमेन में एक प्रोटीन वहां पे जो एक मेम्ब्रेन एंकरेज प्रोटीन होता है वो प्रोटीन उसको बाइंड होगा. उस प्रोटीन का नाम है अल्फा प्रोटीन. कौन सा प्रोटीन होगा? ट्राइमेरिक प्रोटीन में 3 प्रोटीन आएगा, एक अल्फा, दूसरा आएगा वहां पे एक बीटा प्रोटीन और तीसरा प्रोटीन जो वहां पे पाया जाता है वो प्रोटीन होगा, ये होगा कौन, बीटा प्रोटीन. और यहाँ पे जो तीसरा प्रोटीन आएगा वो होगा गामा प्रोटीन. ठीक है, बीटा एंड दिस इज द गामा प्रोटीन. देखिए ट्राइमेरिक प्रोटीन में 2 प्रोटीन ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन को एंकरेज करते हैं. यहाँ पे एक है अल्फा प्रोटीन और दूसरा है गामा प्रोटीन. अल्फा और गामा मेम्ब्रेन एंकरेज प्रोटीन है बट बीटा प्रोटीन मेम्ब्रेन एंकरेज प्रोटीन नहीं है. जब अल्फा प्रोटीन वहां पे प्रेजेंट होता है और कोई सिग्नल एब्सेंट होता है, यहाँ पे मान लीजिएगा कोई सिग्नल ही नहीं है जीपीसीआर के रिसेप्टर को, तो अल्फा के साथ वहां पे कौन बाइंड होता है, जीडीपी बाइंड होगा. अल्फा के साथ जो बाइंड होता है वो तो जीडीपी होगा. मतलब क्या है कि जीडीपी जब अल्फा के साथ बाइंड हो रहा है तो पूरा का पूरा ठीक है पाथवे इनएक्टिव हो जाएगा. यही क्वेश्चन के शुरू में हमें पूछा गया है कि जीपीसीआर कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोटीन दैट इज द अल्फा बीटा एंड गामा जो हमने यहाँ पे डायग्राम में भी बनाया. उसके बाद अनस्टिमुलेटेड मतलब इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर कंडीशन में अल्फा इज बाइंडिंग विद जीडीपी. क्या ये सही है? यस, अल्फा जीडीपी के साथ बाइंड होगा वहां पे. उसके बाद ठीक है जीपीसीआर क्या होगा, कंप्लीट इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा. ये बात भी सही है. देन जीपीसीआर गेट एक्टिवेटेड, मान लो कि जब सिग्नल नहीं था तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव था, अब जाके सिग्नल आ रहा है तो सिग्नल बाइंड होने के बाद सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड होने के बाद वहां पे क्या होगा कि जीपीसीआर का एक्टिवेशन होगा. जब भी जीपीसीआर एक्टिवेट होता है तो वहां पे एक प्रोटीन एक्टिवेट होगा जिसका नाम है गोनी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर. गोनी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर इसका एक्टिवेशन होगा और यह एक्टिवेशन फैक्टर क्या करेगा कि जीडीपी जो बाइंड होता है अल्फा के साथ उसको यहां से रिमूव कराएगा और एक नए मॉलिक्यूल को यहाँ पे आके बाइंड कराएगा. उस मॉलिक्यूल का नाम है जीटीपी. जब भी अल्फा विद जीटीपी बाइंड होगा तो यहाँ पे रिसेप्टर का कंप्लीट एक्टिवेशन होता है. अल्फा विद जीटीपी आगे जाके कैसे बाइंड करेगा, अपने टारगेट प्रोटीन को जाके एक्टिवेट कराता है. यही क्वेश्चन में आपको पूछा गया है. ठीक है, गोनी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर दैट इंड्यूसेस अल्फा सब यूनिट टू रिलीज जीडीपी, अल्फा सब यूनिट के साथ जो जीडीपी बाइंड होता है वो रिलीज हो जाएगा और वहां पे बाइंड कौन हो जाएगा, जीटीपी वहां पे बाइंड हो जाएगा. इन ऑर्डर टू रेगुलेट जी प्रोटीन एक्टिविटी बाय रेगुलेटिंग जीटीपी जीडीपी कॉन्सेंट्रेशन. ओके, मैकेनिज्म में आगे क्या होता है कि जब भी मान लीजिएगा कि रिसेप्टर जो यहाँ पे बाइंड लिगेंड जो बाइंड था रिसेप्टर के ऊपर, अगर वो लिगेंड ठीक है वहां से रिमूव कर दिया जाता है तो फिर से इस मैकेनिज्म को इनएक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है. अभी तो क्या है कि यहाँ पे जो अल्फा प्रोटीन था अल्फा के ऊपर कौन बाइंडेड है, अल्फा के ऊपर बाइंडेड है जीटीपी. अल्फा के साथ कौन बाइंडेड है यहाँ पे, जीटीपी. ओके, पर अभी यहाँ पे सिग्नल गायब हो रहा है तो जीटीपी को फिर से रिमूव करना होगा आपको या जीटीपी का कन्वर्जन करना होगा आपको जीडीपी में, ताकि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स फिर से क्या होना चाहिए, इनएक्टिवेट होना चाहिए. ठीक है, तो ये काम करता है एक दूसरा प्रोटीन जिसका नाम है फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम. वहां पे काम करेगा गैप, जीटीपी इज एक्टिवेटिंग प्रोटीन ये काम करेगा जिसका नाम क्या है,
जीएपी प्रोटीन यहाँ पे काम करेगा। जीएपी देखिए यहाँ पे जीएपी का रोल क्या है कि जीटीपी का कन्वर्जन हाइड्रोलिसिस करके जीडीपी में करवाना, ये रोल किसका आ रहा है, गैप का रोल आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्रोटीन जीडीपी को जीटीपी में भी कन्वर्ट करने के लिए जीईएफ प्रोटीन का सहारा ले सकता है, और जीटीपी का कन्वर्जन जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए भी उसका सहारा ले सकता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये काम तो खुद कौन कर रहा है, जीटीपेज एक्टिविटी किसकी स्टिमुलेट हो रही है यहाँ पे, अल्फा प्रोटीन की। तो इसका मतलब है कि अल्फा एक्ट एज जीटीपेज, अल्फा जीटीपेज का काम कर रहा है। ऑप्शन सेकंड दिया है कि आपको अल्फा प्रोटीन एक्ट एज जीडीपी काइनेज, नहीं, अल्फा किसी भी सब्सट्रेट के ऊपर फॉस्फोरिलेशन नहीं करता इसलिए ये काइनेज नहीं हो सकता है। साइक्लिक जीएमपी स्पेसिफिक फॉस्फोडाइस्ट्रेज, नहीं, ये भी नहीं है। साइक्लिक जीएमपी स्पेसिफिक फॉस्फोडाइस्ट्रेज क्या करते हैं कि साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करते हैं। साइक्लिक जीएमपी को किस में कन्वर्ट करेंगे, जीएमपी में कन्वर्ट करते हैं, ये भी काम नहीं करता है, अल्फा से बने। साइक्लिक एएमपी स्पेसिफिक फॉस्फोडाइस्ट्रेज ये काम करे होगा यहाँ पे, नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज है क्या करता है कि साइक्लिक एएमपी को एएमपी में कन्वर्ट करता है, बट ये काम तो अल्फा सेबिनिन का नहीं है। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब तो हो रहा है ऑप्शन नंबर एक। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। इन सेल हैविंग G1 प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, अ सेल हैविंग G1 प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए बाय एसआरएनए टेक्नोलॉजी, बाय एसआरएनए टेक्नोलॉजी टू डिमिनिश ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड सीआरईबी प्रोटीन, एडिशन ऑफ साइक्लिक एएमपी व्हिच इज सेकंड मैसेंजर विल लीड टू। ओके, क्वेश्चन को डिटेल में हम बात करते हैं अभी। मान लीजिएगा कोई एक सेल है, सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर कोई एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्ट आ रहे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने इस बात को डिस्कस किया था, जो 7 टाइम मेम्ब्रेन को क्या करेगा, यह स्पैन कराएगा। देखते हैं यहाँ पे 7 टाइम हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब बनाते 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 टाइम मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन यहाँ पे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का एक्टिविटी शुरू होता है तो सेल के अंदर कुछ काइनेज का एक्टिवेशन भी वहां पे होता है। सेल के अंदर जो काइनेज है, मान लीजिएगा कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो काइनेज पूछा गया है वो काइनेज है प्रोटीन काइनेज ए, वो काइनेज हमें दिया गया है प्रोटीन काइनेज ए, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पीके ए। मान लीजिएगा कि एक पीके, पीके का एक्चुअली एक्टिवेशन कौन करेगा वहां पे, साइक्लिक एएमपी उसका एक्टिवेशन कराता है। कौन एक्टिवेशन करवाएगा, साइक्लिक एएमपी उसका एक्टिवेशन कराएगा। ओके, उसके बाद बाय एसआरएनए टेक्नोलॉजी, मान लीजिएगा कि हम ठीक है जीन साइलेंसिंग के लिए स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, और यू यहाँ पे हमें इस टेक्निक का यूज करके किसे डिमिनिश करना है, एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और एंड सीआरईबी साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन को हमें डिग्रेड करना है। देखिए ये प्रोटीन कहाँ पे पाए जाएंगे, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। मान लीजिए जब भी प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है वो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज कहाँ पे एंटर होगा, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और जो उसके जो टारगेट होते हैं तो ये दो प्रोटीन होते हैं, एबीपी प्रोटीन एंड सीआरईबी प्रोटीन, दीज आर द टारगेट ऑफ प्रोटीन काइनेज ए। बट जो टारगेट प्रोटीन है उन्हें उनको ही हमने क्या कर दिया है, एसआरएनए की मदद से हमने उनको डिग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि साइक्लिक एएमपी का जब फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन करवाता है, और साइक्लिक एएमपी कहाँ से आएगा, एटीपी का कन्वर्जन साइक्लिक एएमपी में होता है, वहां पे जो एडेनोसिन साइक्लेज एक मेम्ब्रेन एंकरेज प्रोटीन और मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन जो होता है एडेनोसिन साइक्लेज वो इसको फॉर्म कराता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। यहाँ पे पूछा गया कि सेकंड मैसेंजर, और सेकंड मैसेंजर इस पाथवे में कौन होना चाहिए, साइक्लिक एएमपी होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एबीपी, क्या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन
का ट्रांसक्रिप्शन वहां पे इनिशिएट होगा? नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप siRNA से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को अगर क्लीव करते हैं तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन का रेट इनहांस होने के कोई भी चांसेस नहीं है, और ये काम सेकेंड मैसेंजर थोड़ी ना करेगा, अभी साइक्लिक एएमपी ये काम नहीं कराएगा, ठीक है? तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का जवाब नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर दो, इंक्रीज फॉस्फोराइलेशन ऑफ सीआरईबी प्रोटीन, क्या ये काम होगा वहां पे? नहीं, ये काम भी नहीं होगा। अगर प्रोटीन काइनेज ए जो आपने टारगेट के ऊपर फॉस्फोराइलेट कराएगा, अगर टारगेट का एमआरएनए आप siRNA के मदद से डिग्रेड करते हो तो उसका प्रोटीन तो बनेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होने की कोई चांसेस ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन, नो चेंज इन ट्रांसक्रिप्शन लेवल, नो चेंज इन ट्रांसक्रिप्शन लेवल। तो यहां पे सेकंड मैसेंजर कौन हो रहा है? साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन जो हो रहा है यहां पे, उसके फॉर्मेशन में कोई चेंज आएगा? नहीं। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर कौन बनेगा यहां पे? ऑप्शन नंबर तीन। मतलब क्या है कि siRNA की मदद से आप आरएनए बनने के बाद उसको डिग्रेड कर रहे हो, और अगर आरएनए के बनने के जो प्रोसेस है क्या उसके ऊपर कोई परिणाम हो सकता है? नहीं, उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं हो सकता। पर जब भी वहां पे आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद, तो उस आरएनए को siRNA की मदद से हम डिग्रेड करवाएंगे, ठीक है? ये बात सही है। नाउ इंक्रीज एटीपेज एक्टिविटी ऑफ जी अल्फा सब यूनिट, नहीं भाई ये कहां से होगा? एटीपेज एक्टिविटी ऑफ जी अल्फा सब यूनिट का कोई एटीपेज एक्टिविटी यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर तीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।